एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। तो चलिए, फिर से हमने एक नया वीडियो लेके आया है आपके लिए। एटॉमिक रेडियस, जो हम लोग का सीरीज चल रहा था पीरियोडिक टेबल का एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड, उसी सीरीज में फिर अगला वीडियो हमने सोचा आपके लिए तैयार किया जाए। हम लोग पढ़े थे इससे पहले टाइप ऑफ रेडियस, एटॉमिक रेडियस में हमने पढ़ा टाइप ऑफ रेडियस, हमने कोवेलेंट रेडियस पढ़ा, मेटालिक रेडियस पढ़ा, वांडरवाल रेडियस पढ़ा और अभी आयनिक रेडियस पढ़ना बाकी था। तो आइए जरा इन तीनों को समरी करते हुए आगे बढ़ते हैं, है ना। आइए फटाक से पहले हम शुरू करते हैं, वहीं कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। अगर हम बात करें दोस्त, एक एटम दूसरे एटम से ओवरलैप करेगा तब जाके कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। उस कंडीशन में ये जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस है, दिस इज आरसी, ये भी आरसी, ठीक है आरसी, तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया यहां से यहां डी, तो डी बराबर हो गया टू आरसी, आरसी बराबर हो गया डी बाई टू, ये आया था कोवेलेंट रेडियस। और जब एटम सेम हो, ए ए, अगर एटम डिफरेंट हो, ए प्लस बी जब आया था, यानी यहां जब बना था बॉन्ड, इस केस में रेडियस था आर ए बी बराबर था आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 इनटू मॉड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। आंसर किसमें आया था? एंगस्ट्रम। तो ये आया था कोवेलेंट रेडियस, क्लियर है, ये ओवरलैप करके बना। अगला था मेटालिक रेडियस, अगला है दोस्त मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस। अगर हम बात करें मेटालिक रेडियस, तो मेटल क्रिस्टल के अंदर बनता है, मेटल मेटल के बीच में थोड़ी सी जो कर्नल और कर्नल के बीच में इलेक्ट्रॉन सी वाला जो गैप आता है, इसकी वजह से साइज थोड़ा सा दूर आता है, यानी ये रहा मेटल और एक ये मेटल, यहां से यहां, दिस इज मेटल क्रिस्टल के अंदर की बात है, दिस इज डी और ये रहा आर, आर एम, आर एम, तो डी बराबर हो गया टू आर एम, आर एम मतलब मेटालिक रेडियस, तो आर एम बराबर हो गया डी बाई टू, दिस इज मेटालिक रेडियस, है ना। दो एटम एक दूसरे को बस टच कर रहा होता है, बस इसमें क्रिस्टल के अंदर दो एटम एक दूसरे को टच कर रहा होता है, बीच में थोड़ा सा हल्का गैप होता है इलेक्ट्रॉन सी वाला, है ना। तो और इसमें इसमें एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा होता है, यानी कोवेलेंट रेडियस से बड़ा होता है मेटालिक रेडियस, देखिए टच कर रहा है और इसमें ओवरलैप कर रहा है। अगला है वांडरवाल रेडियस, जो हमने देखा था, अगला हम बात करेंगे वांडरवाल रेडियस, वांडरवाल रेडियस। अगर दोस्त हम वांडरवाल रेडियस पे बात करें, इसमें दो तरह का था, बिटवीन नन एटम, नन मेटल के बीच जो मॉलिक्यूल बनता है, यानी मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच बना हुआ वांडरवाल बॉन्ड, या फिर इनर्ट गैस इनर्ट गैस के बीच बना हुआ वांडरवाल बॉन्ड, यानी ये प्लस ये एक मोलेक्यूल हुआ, ये प्लस ये एक मोलेक्यूल था, तो यहां से यहां दिस डिस्टेंस इज डी, हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड वांडरवाल रेडियस। तो ये मोलेक्यूल मोलेक्यूल के बीच हो गया, और दूसरा जो था इसमें, ये एक इनर्ट गैस हो गया और ये एक इनर्ट गैस हो गया, इनका डिस्टेंस दिस इज डी एंड बी से आ गया आर, तो यहां जो आया आर वी, सबसे बड़ा रेडियस है वांडरवाल। देखिए मोलिकुल मोलिकुल काफी कमजोर होती है, हवा में आप हाथ मारो देखते हो कहीं चोट नहीं लग रहा, इसका मतलब क्या है, बॉन्ड काफी कमजोर है, तो ये सबसे छोटा। हम चूंकि बहुत डिटेल में इसको पढ़ चुके हैं, इसलिए आज बहुत इस पे बात करेंगे नहीं, मैंने शॉर्ट में रिविजन करा दिया। देखिए दिस इज वांडरवाल रेडियस, तो ये कहां से आया, वांडरवाल बॉन्ड से, और वांडरवाल कहां बॉन्ड होता है, मोलिक्यूल मोलिक्यूल, ये एक मोलिक्यूल हो गया और ये एक मोलिक्यूल हो गया, ये एक इनर्ट गैस हो गया, ये भी एक इनर्ट गैस, तो सबसे बड़ा रेडियस वांडरवाल रेडियस, देन मेटालिक रेडियस, देन कोवेलेंट रेडियस। वांडरवाल रेडियस में भी
वांडरवाल रेडियस बिटवीन इनर्ट गैस सबसे बड़ा, फिर वांडरवाल रेडियस इन मोलिक्यूल, देन मेटालिक रेडियस एंड देन कोवेलेंट रेडियस, ये आपका ऑर्डर होता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला अगर बात करें तो आयोनिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, अगर दोस्त हम आयोनिक रेडियस की बात करें तो मेटल एक्चुअली एटम होता है वो वाइब्रेट करता है, हाईली एनर्जेटिक स्टेट में होता है, तो एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करना थोड़ा टफ, वहां से इलेक्ट्रॉन निकला, अगर इलेक्ट्रॉन निकला तो कैटायनिक रेडियस क्या आएगा, कैटायनिक रेडियस हम निकाल पाएंगे। अगर किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकला तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, तब उसका जो रेडियस निकालेंगे, दैट इज कैटायनिक रेडियस। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया, देखिए मैं लिखा यहां दिखाता हूं, माइनस ई का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो कैटायनिक रेडियस, और मान लीजिए इलेक्ट्रॉन गेन किया तो बना एनायोनिक रेडियस, एनायोनिक रेडियस। क्लियर है, दो तरह का रेडियस, कैटायनिक रेडियस एनायोनिक रेडियस। अब देखिए भाई बात यह है कि हो गया एक न्यूट्रल एटम एक्स, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है, तो जितना एट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के बीच, उतना ही रिपल्सिव फोर्स भी लग रहा है इनर सेल के इलेक्ट्रॉन और आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच, जिसके कारण इसका साइज एक फिक्स है, लेकिन जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन निकला तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आया। अब पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब इलेक्ट्रॉन निकला है तो रिपल्सन घट रहा है, जबकि अट्रैक्शन, अरे आउटर मोस्ट ऑर्बिट और न्यूक्लियस इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, रिपल्सन घट गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकला है तो रिपल्सन घट गया, रिपल्सन घटा अट्रैक्शन बढ़ा तो साइज कॉन्ट्रैक्ट कर गया, यानी रेडियस छोटा हो गया, तो इसके कंपेयर में इसका रेडियस छोटा आएगा। जबकि अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन रख दिया तो इसमें क्या आ जाएगा, एक्स पर माइनस। देखिए एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो रिपल्सिव फोर्स बढ़ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ गया जबकि अट्रैक्शन घट गया, तो ओवरऑल साइज जितना नेट फोर्स अंदर आ रहा है उससे ज्यादा रिपेलिंग करके इलेक्ट्रॉनिक रिपेलिंग की वजह से साइज बाहर जा रहा है, तो ओवरऑल साइज बढ़ जाएगा। तो देखिए कैटायनिक साइज छोटा, एनायनिक साइज बड़ा। क्लियर, अगर मान लीजिए रेडियस ऑफ एक्स पूछा जाए तो ये बड़ा होगा किससे, रेडियस ऑफ एक्स प्लस, रेडियस ऑफ एक्स इज लार्जर देन रेडियस ऑफ एक्स प्लस, यानी इस कटायन से। और अगर पूछा जाए आर एक्स रेडियस ऑफ एलिमेंट किससे छोटा होगा, तो स्मॉलर देन एक्स माइनस, रेडियस ऑफ एक्स माइनस, यानी किसी भी एटम का न्यूट्रल एटम हो तो उसका कैटायनिक रेडियस उससे छोटा और एनायनिक रेडियस उससे बड़ा। क्लियर, आगे देखते हैं इस पे, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर माइनस वन, ऑक्सीजन पर माइनस टू, ऑक्सीजन पर प्लस वन, ऑक्सीजन पर प्लस टू। अगर बात करें तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा रेडियस घटेगा, कैटायनिक रेडियस घटेगा। हम अगर इधर लिख ले तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस देन कैटायनिक रेडियस, कैटायनिक रेडियस क्या बात करेंगे बाबू, डिक्रीजेस, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो कैटायनिक रेडियस घटेगा। क्लियर है, तो देखिए पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है कैटायनिक रेडियस घट जाएगा, यानी इसका छोटा इससे बड़ा, इसका इससे बड़ा न्यूट्रल का, और जैसे जैसे निगेटिव चार्ज बढ़ेगा रेडियस बढ़ेगा, तो देखिए इससे बड़ा इसका, इससे बड़ा इसका। क्लियर है, निगेटिव चार्ज इंक्रीजेस देन रेडियस इंक्रीजेस एंड पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस देन रेडियस डिक्रीजेस। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं दे दिया नाइट्रोजन एन थ्री माइनस एन टू माइनस एन वन माइनस, और रेडियस पूछा जाए तो यहाँ इलेक्ट्रॉन तीन एक्स्ट्रा आ गया है तो रिपल्सिव फोर्स बढ़ गया जिसकी वजह से साइज बढ़ जाएगा, जिसे हम स्क्रीनिंग इफेक्ट का कंसेप्ट कहते हैं।
कि हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस में, वहां पढ़ेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिट के केस में। अभी ऐसे जाने कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो रिपेलिंग टेंडेंसी बढ़ रही है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच, तो साइज बढ़ जाएगा, तो इसका बड़ा फिर इसका बड़ा। अगर यही मैं ऐसे दे दूं एन पर थ्री प्लस एन पर टू प्लस एन पर प्लस, क्या साइज का ऑर्डर हो जाएगा? इससे बड़ा ये और इससे बड़ा ये। डाउट नहीं, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सर अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का केस हो तब एक तो हो गया कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, किसी भी एटम का आयन बना और उस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो रेडियस घटा, उसी एटम का अगर एनायन बना तो निगेटिव चार्ज बढ़ा तो रेडियस बढ़ा, यानी निगेटिव चार्ज बढ़ेगा रेडियस बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा रेडियस घटेगा। क्लियर है? यानी एनायनिक रेडियस बढ़ा देन न्यूट्रल देन कैटायनिक। लेकिन जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स केस हो तो क्या करेंगे, आइए इस पर बात कर लें। जैसे मैं अगर बात करूं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स एन पर थ्री माइनस ओ पर टू माइनस एफ पर एक माइनस एन ए पर एक प्लस एम जी पर टू प्लस एल्युमिनियम पर थ्री प्लस, एल्युमिनियम को ही एल्युमिनियम बोलते हैं। तो आइए यहां देखिए इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉन्स तो कितने हो गए 10, नाइट्रोजन का 7 3 आ गया, 10 ऑक्सीजन का 8 2 आ गया, 10 फ्लोरीन का 9 1 आ गया, 10 सोडियम का 11 1 हट गया तो 10, मैग्नीशियम का 12 2 हट गया तो 10, एल्युमिनियम का 13 3 हट गया तो 10। सर इस केस में कैसे निकालेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड होता है। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तब, तो देखिए इस केस में हम क्या करेंगे, अगर रेडियस का ऑर्डर पूछा जाए तो सब में 10 एटॉमिक नंबर जेड लिखते हैं, इसका 7 8 9 10 11 अरे गलत हो रहा है क्या? हाँ यहां मिस्टेक हो गया, ठीक है यहां 10 नहीं होता है 11, ये 12 और ये 13, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो देखिए धीरे धीरे इधर इधर जा रहे हैं, हाँ तो जेड बढ़ रहा है, जेड बढ़ रहा है तो आर क्या होगा, घटेगा, क्योंकि दोनों का उल्टा रिलेशन, आर घटेगा यानी सबसे बड़ा रेडियस इसका देन इसका देन इसका इसका इसका। क्लियर है क्या? आई होप कि आप समझ पाए होंगे। एक क्वेश्चन में अगर आपको दूं कि इसी तरह से आप भी बनाइए, इधर देखिए फास्फोरस 3 माइनस, सल्फर 2 माइनस, क्लोरीन 1 माइनस, के पर 1 प्लस और सी ए पर 2 प्लस। अब देख लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो रेडियस घटेगा, तो ऑर्डर जो आएगा दोस्त वो आएगा ऐसे 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 ऐसे, दिस इज योर रेडियस ऑर्डर। क्लियर है? आई होप कि आप समझ गए होगे। क्लियर? तो अच्छे से इसको कर लेना। अब हम आएंगे उसको बहुत इत्मीनान से स्लो मोशन में धीरे धीरे पढ़ा जाएगा, अच्छे से एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे जब हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस, यानी एटॉमिक रेडियस जिसमें हमने इतने टाइप के रेडियस पढ़े, कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, वांडरवाल रेडियस एंड आयोनिक रेडियस, इन सब रेडियस में अगर बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग है, इसमें कौन कौन से फैक्टर भाव रहता है, तो उन सब केसेस में हम धीरे धीरे एक एक करके डील करेंगे, बहुत अच्छे से डील करेंगे। आप इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं क्वेश्चन बैंक में प्रैक्टिस कर डालें और आप अपने कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर रखें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।